हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेक समोसे की रेसिपी। 100% हेल्दी समोसा है ये। ओवन में कैसे बेक करते हैं और मैं कुकर में कैसे करते हैं वो भी तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो ये है 100% हेल्दी चिकन कीमे के समोसे। तो सबसे पहले हम समोसे का जो कवर होता है, जो पट्टी होती है, यानी कि जो समोसा की शीट होती है, उसकी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने 250 ग्राम मैदा इसमें ऐड किया है। इस कढ़ाई में मैदा यानी कि ऑल पर्पज फ्लार या रिफाइंड व्हीट फ्लार भी बोलते हैं उसको। और जो अभी हमने ऐड किया वो है 1 टेबल स्पून पीसी हुई शक्कर, ग्राइंडेड शुगर हमने ऐड किया। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे हमने इसमें अजवाइन डाला है 1 टीस्पून। अजवाइन यानी कि कैरेवे सीड्स होते हैं, तो ये पेट के लिए भी अच्छे होते हैं। तो और ये उसका फ्लेवर, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसके जो कवर में। तो ये हमने ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। हमने 1 और आधा टेबल स्पून चावल का आटा इसमें ऐड किया है ताकि ये जो कवर होता है ये क्रिस्पी बने। तो यहाँ की राइस फ्लार हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी, यानी कि जो क्लेरिफाइड बटर होता है, जो काउ घी होता है, वो हमने इसमें ऐड किया है 3 टेबल स्पून। तो ये कम्प्लीटली हमने ओवन में बनाई है। तो मैं आपको कुकर में कैसे बनाते हैं उसका भी पूरा मेथड बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ओवन का तरीका कम्प्लीटली। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून क्लेरिफाइड बटर ऐड किया है। उसके बाद हम इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आप चाहें तो अभी इस वक्त भी बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। हमने इसको थोड़ा बाद में डाला है। तो यहाँ पे घी की क्वांटिटी अगर आप देखें तो ये टोटल 50 ग्राम घी हो चुका है। इसको हम अभी मिक्स करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के यानी कि बेल आइकन को ज़रूर टैप करें। मैं आपके लिए आता हूँ डिलीशियस होममेड रेसिपीज़। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे डाल सकते हैं बेकिंग पाउडर। दोस्तों, जो तले हुए समोसे होते हैं, फ्राइड समोसे, सबको पसंद है, लेकिन अगर जो अच्छी जो हमारी पॉपुलर रेसिपीज होती हैं, अगर उसको और हेल्दी बनाया जा सके तो और भी उसमें मज़ेदार भी बनती हैं और हेल्दी भी बनती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आपको ओवन में कैसे बनाते हैं ये कंप्लीट मेथड हमने दिखाया है, और सेम आप उसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं जैसे आपको बताया था, हमने जो अभी बेकिंग पाउडर हमने अभी ऐड किया है, आप उसको पहले भी ऐड कर सकते हैं। और उसको अच्छी तरीके से हमको अभी मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए, हमने अभी सिर्फ 1 स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड करना है। 1 स्पून मतलब 1 टेबल स्पून का 1/4 भाग जो होता है, 1 स्पून होता है, वो हमने बेकिंग जो पाउडर है इसमें ऐड किया है। और इसको अब हम गूंदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसको आटे की तरह गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करके इसको गूंदना है। तो ये हम बना रहे हैं समोसे की जो शीट होती है, जो बाजार में मिलती है। हमने यहाँ पे इसको आपको कैसे आप घर में ही इसको आसानी से बना सकते हैं ये भी दिखाया है। तो प्लीज़ कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, देखिएगा एंड तक रेसिपी को। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर गूंदते जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा डो तैयार होगा वो ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो ना ही बहुत ज़्यादा जो सख्त हो, तो मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। उसके बाद हम उसको जब 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तब वो कम्प्लीटली उसको वाटर एब्जॉर्ब करके परफेक्ट कंडीशन में तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको कम्प्लीट सभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड तक रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार चिकन कीमे के समोसे बने हैं। अगर आप चिकन कीमे की जगह पे कुछ भी अंदर फिलिंग यूज कर सकते हैं बना के। यहाँ पे देखिए, हमने इसको गूंद गूंद कर इस तरीके से ये तैयार होने वाला है अभी। और एक बार जब ये कम्प्लीटली हम गूंद कर हम उसको तैयार कर देंगे तो इस आटे को हम 1 से 1.5 घंटे के लिए अलग रख लेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही इसको हम अलग रख लेंगे 1 से 1.5 घंटा। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा अगर कुछ भी इसमें मॉइस्चर होता है तो वो जो आटा है पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये परफेक्टली रेडी हो जाएगा। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे, जैसे कि हमारा जो कीमा मसाला हमको बनाना है चिकन का, वो भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो यही अब हम चलिए उसकी तैयारी करते हैं। तो ये हमारा आटा, हम इसको 1 से 1.5 घंटा ढककर अलग रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक पैन गरम किया है। पैन में हमने यहाँ पे ऐड किया है 3 टेबल स्पून तेल, और इसमें हमारा जो चिकन कीमा का मसाला हम बनाएंगे, बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी है ये, अपने आप में अलग से रेसिपी है ये। ये जो फिलिंग हम बनाएंगे ये हम हमारे समोसे में
एज अ फिलिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें जो हमने यहाँ पे, मैं आपको कंप्लीटली इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बताते जाऊँगा। यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे इसमें जो यहाँ पे देखिए ये है चिकन का कीमा 500 ग्राम, हाफ के जी हमने चिकन का कीमा जो बाज़ार में मिलता है वो ऐड किया है इसमें। और सबसे पहले हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, हमने यहाँ पे एक बड़ी सी प्याज और दो टमाटर को चॉप करके रखा है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हम ऑयल में रोस्ट करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। एक बार ये गोल्डन ब्राउन होने, हम इसको घुमाते हुए इसको फ्राई यानी कि रोस्ट करते जाएंगे, और एक बार ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो इसको बेसिकली आपको प्याज को इसमें भूनना है, आँच पूरी होगी। यहाँ पे देखिए कलर परफेक्टली रेडी हो चुकी है प्याज। इसके बाद हमने इसमें डाला है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स थोड़े से इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा वो रोस्ट होने के बाद उसको हम घुमाएंगे ताकि उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। आँच पूरी होगी और इसके बाद हम डालेंगे इसमें इसमें जो है हमने टमाटर जो चॉप करके रेडी रखे हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये टमाटर हमने ऐड करने के बाद इसको हम गलने तक पकाते रहेंगे घुमाते हुए। यहाँ पे हमने ये फास्ट करने के लिए इसको ढककर रखा है थोड़ा, तो जल्दी गलते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है घुमा घुमा कर पकाने में। तो ढकने से जल्दी पक जाते हैं टमाटर। तो एक बार टमाटर रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। लेकिन धनिया पाउडर डालने से पहले आपको आँच को लो फ्लेम करके डालना है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर, जो धनिया पाउडर है जो मोटा पिसा हुआ धनिया पाउडर है वो। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे रेड चिली यानी कि लाल मिर्च का पाउडर जो भी है 1 टेबल स्पून, सेम क्वांटिटी होगी दोनों की। और यहाँ पे हमने जो हरी मिर्च होती है उसको हमने ग्राइंड कर कर भी रखा है, सिर्फ उसका हाफ टी स्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो कि ग्राइंडेड ग्रीन चिली है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको कम्प्लीटली फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें नीचे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कीमा की समोसे की रेसिपी है जो हमने फ्राई नहीं किए हैं, टोटली हमने ओवन में बेक किए हैं। बहुत ही 100% हेल्दी रेसिपी है। और यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा था ये है हमारी हाफ टी स्पून ग्राइंडेड हरी मिर्ची का पेस्ट। एक बार ये मिक्स होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च, जो हमने मसाले यूज़ किए हैं ये चिकन कीमा मसाला बनाने में, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और वही हम हमारे समोसे में फिलिंग की एज अ फिलिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था हमने आप डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर जो कि है हाफ टी स्पून। तो सर ये सभी क्वांटिटीज को याद रखिएगा और इसी हिसाब से आप बनाइएगा। और यहाँ पे एक बार ये मिक्स होने के बाद यहाँ पे हम बारीक पिसा हुआ जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है वो भी हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज किया है, जो कि हम अभी नेक्स्ट डालेंगे। दोस्तों तो जो समोसे होते हैं कितने टेम्परेचर पे उसको बेक करना होता है परफेक्टली तैयार होने के लिए, वो सभी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा रेसिपी में इस वीडियो में। और साथ ही साथ कुकर में भी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी कुकर के पैट्रीज की रेसिपी है, सेम उसी तरीके से आपको समोसे बनाने हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी हमने ग्राइंडेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है जो कि है 1 टेबल स्पून। अगर आप दोनों साथ में ही डाल सकते हैं या तो आप उसको अलग अलग भी डाल सकते हैं। हमने अभी जिंजर का पेस्ट डाल दिया है, अभी हम गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। या तो आप आपके पास दोनों मिक्स है एक साथ तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला का पाउडर जो कि है हाफ टी स्पून। इसमें ऐड करने के बाद इसको हम घुमाकर मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमारे जो मेन आइटम है यानी कि जो चिकन कीमा है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी हमने गरम मसाला ऐड किया है इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, आँच लो पे ही होगी। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन कीमा रखा है वो इसमें अब हम ऐड करेंगे। तो चिकन का कीमा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और दो तीन चीज़ें डालनी बाकी हैं इसमें, जैसे कि हल्दी पाउडर और धनिया जो होती है हरी धनिया जिसको कोथमीर भी बोलते हैं। तो एक बार चिकन कीमा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी तक फ्लेम को हमने लो पे ही रखा है।
और इसको अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद थोड़ी देर में ये चिकन का जो है पानी निकलना शुरू हो जाएगा चिकन में से, और साथ ही साथ हमने भी हाफ कप इसमें पानी ऐड करके इसको पकाना है। तो ये हम मैं आपको बताऊंगा आगे यहाँ पर कि इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे चिकन को। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर, और इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे हम जो स्वाद अनुसार यहाँ पे इसमें ऐड करना है, जो हमारा कीमा मसाला तैयार हो रहा है चिकन का, जो कि हमारे समोसे की फिलिंग है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर में चिकन में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ हमने भी हाफ कप पानी इसमें ऐड किया है यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो ये अब इस पानी को सूखने तक हम इसको कम्प्लीटली चिकन को पकाना है। तो इसके लिए हम अभी सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारी हरा धनिया है, हमने इसको बारीक चॉप करके लिया है, जो कोथमीर होती है, ये भी बहुत मज़ेदार टेस्ट ऐड करती है हमारे चिकन के कीमे में। तो इसको हम मिक्स करेंगे, और यहाँ पे ये जो पानी सूखने के लिए और जो सब कम्प्लीटली इस कीमे को तैयार होने के लिए हमको 5 मिनट तक पूरी आंच पे इसको कुक करना है। फ्लेम फुल होगी और लिड क्लोज होगा यानी कि इसको ढककर हमको कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको नमक भी ऐड किया थोड़ा सा, इसको घुमाकर इसको अच्छी तरीके से पकाना है जब तक ये कम्प्लीटली सूख नहीं हो जाता, ड्राई ड्राई नहीं हो जाता। हमने आँच को पूरी कर दी है, जब हमने पानी ऐड किया था तो तभी हमने उसको आँच को पूरी कर दिया था यानी कि फुल फ्लेम पर रख शुरू कर दिया था। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे हम इसको अभी ढककर 5 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे, लेकिन उस 5 मिनट के बीच बीच में यानी कि 2 से 1.5 मिनट के बीच में इसको खोलकर हम घुमाते रहेंगे ताकि वो बेस में इसमें जले नहीं और ना ही वो नीचे बेस में लगे। इसलिए 5 मिनट को जो हम ढककर पकाते हैं उसके बीच में इसको घुमाना ज़रूरी होता है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेगा। तो हमारा कीमा की फिलिंग तैयार हो जाएगी कम्प्लीटली। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे कोई भी अच्छी सी सब्जी जो आलू मटर की सब्जी इस तरीके से जो बनाकर आप फिलिंग रेडी करके समोसे में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इसको ढककर पका लेंगे और बीच बीच में इसको, लेकिन हम उसको घुमाते रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो हमारा कीमा हो चुका है कम्प्लीटली रेडी। अब हम इसको एक बोल में कलेक्ट कर कर अलग रख लेंगे, और हम तैयारी करेंगे हमारे समोसों के कवर यानी कि शीट की, और उसको समोसे की फिलिंग बाद में उसके अंदर फिल करेंगे। तो ये आप हमारा अगला फेज जो इस रेसिपी का है वो शुरू होने वाला है, जो हमने आटे को अलग रख लिया था 1 से 1.5 घंटा तक। उसके बाद ये कम्प्लीटली यहाँ पे देखिए परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे और उसको थोड़ा नरम कर लेंगे। इसमें हमने अजवाइन भी डाला है इस आटे में। यह होगा हमारा समोसे का कवर यानी कि शीट। थोड़ा सा हम उसको गूंदेंगे और उसको नरम करने के लिए हमने गूंदा है इसको। तो ये सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है, इससे पहले हम उसको बेलना शुरू करें। यहाँ पे देखिए हमने एक उसको जो पटरा होता है यानी कि जो यहाँ पे हमने उसको उस पर रख के यहाँ पे इसको रोल बनाकर इसके जो छोटे से पेड़े बना लेंगे और उसको रोल करके हमारी शीट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके पेड़े बना लिए हैं दोस्तों। इसको पटरा भी बोलते हैं, चकला भी बोलते हैं, जो बेस होता है जिसपे बेलन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम उसको बेलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमने समोसा की जो शीट यानी कि कवर होता है घर पर ही बना लिया है, ये बाजार में भी मिलते हैं। यहाँ पे हमने उसको रोल कर लिया। उसके बाद हम इसको इस तरीके से इसको कट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने आटे में अजवाइन भी यूज़ किया है। यहाँ पे हमने इसको हाफ में कट करने के बाद इसको, ताकि ये हम समोसे का कवर बना रहे हैं और हम उसको हाथ से ही रोल कर लेंगे। इसका एक सांचा भी मिलता है, एक मोल्ड मिलता है, जहाँ पे आप समोसे की जो कवर होता है उस पर रख के से एग्जैक्ट शेप आता है उसका, ट्रायंगल शेप। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ हाथ से ही बनाया है इसको। तो ये जो हाफ रोल किया हुआ शीट थी उसको हमने इस तरीके से रोल करके अंदर की जो पॉकेट में हमारे जो समोसा के कीमा जो हमने
चिकन कीमा की फिलिंग है वो हम इसके पॉकेट में फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से हम इसको फिल करते जाएंगे। जो हमारे समोसे की फिलिंग है हमने कीमा इसमें ऐड किया है पॉकेट्स में एक स्पून के मदद से। उसके बाद हम उसको पॉकेट को क्लोज करेंगे और अलग रख लेंगे। तो इसी तरीके से हम हमारे बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको क्लोज करके हमारे समोसे बेक करने के लिए रेडी। हम इसी तरीके से बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। उसको आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार कीमे की फिलिंग भी बनी है और समोसे भी उतने ही मज़ेदार बने हैं। नो ऑयल समोसे हैं ये, सिर्फ बेक किए हुए विदाउट फ्राइंग हमने ये रेसिपी को बनाया है। तो ज़रूर बनाएं। इसको कुकर में भी कैसे बनाते हैं मैं कम्प्लीटली मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जो तरीका है इसका। दोस्तों आपको जिस साइज़ के समोसे चाहिए आप उसी हिसाब से उसकी जो कवर बना सकते हैं। अगर आपको बड़े चाहिए तो बड़े भी आप रख सकते हैं इसको इस तरीके से, या आप छोटे भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है। और ये हमारी फिलिंग फिल होने के बाद हमने एक स्पून से फिल करने के बाद उसको क्लोज करना है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने जो चिकन कीमा मसाला की फिलिंग बनाई है समोसे के अंदर ऐड करने के लिए। अगर आप चाहें तो वेजिटेरियन चीज़ों से भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई सब्ज़ी आलू मटर की सब्ज़ी आप बना सकते हैं या पनीर, जो भी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप फिलिंग बना के ये सेम मेथड को फॉलो कर सकते हैं जो भी हमने आपको बेकिंग के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगली तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ग्रिल का ट्रे होता है उसमें हमने रख दिए हैं समोसे। दोस्तों आप उसको प्लेट में ही रखिएगा, उसके बाद ये हम हमारे ओवन में रखेंगे। तो पहले आपको ओवन को प्री हीट करके लेना है 10 मिनट 180 डिग्री पे। उसके बाद ओवन में रखने के बाद आपको हर साइड में 10-10 मिनट आपको यानी कि टोटल 20 मिनट्स 180 डिग्री पर ही इसको बेक करना है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हम उसको 10 मिनट के बाद पलटा लेंगे और 10 मिनट दोनों साइड टोटल 20 मिनट्स 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो कुकर को आपको पहले 10 मिनट प्री हीट करके लेना है, उसके बाद रखने के बाद 10 मिनट पूरी आँच पे और बाकी के 40 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुकर में कुक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे देखिए हमारे समोसे किस तरीके से तैयार हैं। 100% हेल्दी समोसे हैं ये, बेक्ड समोसे। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे रेसिपीज देखते रहें। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।